क्या है विभू, काम कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? बेबी, कुमारों की दुनिया में से कहते हैं लॉटरी लग जाना, और शाश्वता जिंदगी में कहते हैं मूड बनाना। ओ प्लीज विभू, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस राइट नाउ। काम कर रही हूँ मैं लैपटॉप पे यार, दिस थिंग इज परेशान कर रहा है। ओके ओके ओके, गॉट इट, आई गॉट इट। सुबह से झगड़ा नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा। मतलब मैंने एक बार में मना कर दिया और तुम निकल लिए? कुछ भी। अरे तनिक हमारे लिए नाश्ता तो लगाओ पगली। हाँ लगाते हैं ना नाश्ता, वैसे भी हम केवल नाश्ता बनाने के लिए तो बैठे हैं, और बदले में हमको कहाँ मिलता है? कछु नहीं। कल अम्मा जी के लिए का लेकर गए थे साड़ी, और हमरे लिए का लाए घुइया। अरे तुम ही ने कहा था ना कि तुम्हारे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, तुमको और साड़ियां नहीं चाहिए, इसलिए हम नहीं लाए। सच्ची, कितने आज्ञाकारी पति हैं आप, हमरा सारा ही बातें मानते हैं। देखिए हम कब से बोल रहे हैं हमको शिमला मनाली लेके चलिए, शिमला मनाली लेके चलिए, गए का? अरे तुम ही ने कहा था ना कि बारिश का मौसम है, वह भूस्खलन होता है, और हम तो इतने मनहूस है कि हमें देखते ही जो पूरी की पूरी चट्टान हम पे गिर पड़ेगी ना। तो हम और भी बहुत सारी बातों के लिए करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस बात के लिए ना है और किसके लिए हाँ। यार हाँ हाँ होती है, ना ना होती है। ना आई मीन नॉट इन दिस केस विभू, इतने साल हो गए हमारे शादी को, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कब हाँ हाँ होती है और ना ना होती है। कुछ भी ना, मुझे एक्चुअली ये पूछना था, तुम्हारा कहीं अफेयर वफेयर तो नहीं चल रहा किसी के साथ? अभी अफेयर कहाँ से आ गया बीच में, फॉर गॉड सेक्स यार। नहीं मतलब यू हार्डली टेक एनी इंटरेस्ट इन मी दीज डेज, रोमांटिक नहीं होते हो मेरे साथ, तो चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, तुमने ये नहीं देखा कि अभी कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले मैं रोमांटिक हो रहा था तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही बेइज्जत करके हकाल दिया तो मैं चला गया। नो नो नो, मैंने सिर्फ इतना देखा कि मैंने एक बार मना किया और तुम आधे सेकंड में कट रहे थे यहाँ से। You didn't even try. अगर नहीं छोड़ता तो तुम मेरी पिटाई कर देती। सांस ले लेते, पिट जाते थोड़ा सा, प्यार के लिए इतना नहीं कर सकते विभू। हाँ पहले तो तुम क्या क्या करते थे मेरे लिए? अरे पिछले हफ्ते तुम्हारे लिए झुमके नहीं लाए थे काम? हम तो भूल ही गए, झुमके लाए थे पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते रोटी भी खाए थे ना आप, ये हफ्ते मत खाइएगा ना ही बनाएंगे। हाँ हम तो यार जो कुछ भी है तुम्हारे हिसाब से ही तो चल रहे हैं। हमरे हिसाब से चल रहे हैं? हमरा हिसाब सुनिए तो हमसे बात ही ना कीजिए बस। हाँ सुनो पगली, अरे यार ये औरतें बिना बहुत अजीब होती हैं। You know what actually? काम भी नहीं कर पाती मैं यार विभू, लाइफ इज टफ। ब्रह्मा जी ने बनाने के बाद सोचा होगा कि मैंने ये क्या बना के छोड़ दिया पृथ्वी पे, समझ ही नहीं आता है इंद्र यार। लौंडो ये सब क्या चल रहा है? क्यों सक्सेना, मुझे क्यों बुलाया हा? प्रेम भैया मैंने एक बुक लिखी है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बुक है ना ये पूरे इंडिया में नंबर वन बेस्ट सेलर बनने जा रही है भैया, और इस बुक का प्रचार प्रसार मैंने सोचा है कि कानपुर से ही शुरू करूं, और इसकी जो एड फिल्म है ना उसके लिए मैंने आपको मॉडल चुना है भैया। आपकी इस किताब के साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसको इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा, पूरे इंडिया में छा जाएंगे आप। बहुत बहुत मुबारक हो आपको प्रेम भैया। अरे यार इतनी इज्जत तो कभी मैंने अपने आप को नहीं दी जितनी इज्जत तू दे रहा है सक्सेना। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए। अरे प्रेम भैया आप पहले इस पुस्तक का विमोचन तो कर दीजिए। ठीक है ये लीजिए। ठीक है वीडियो 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 देख लेते। हाँ भैया दोस्तों मैंने ये किताब लिखी है नारी शास्त्र। जैसा कि आप लोगों को पता है, कभी बैठे हुए हाथी को पजामा पहना है किसी ने? बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं
कि बैठे हुए हाथी को पजामा पहनाना जितना मुश्किल काम है, उतना ही मुश्किल है नारियों को समझना। और इसी वजह से दोस्तों मैंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है नारी शास्त्र। इसमें औरतों की सारी सीक्रेट्स हैं, औरतों के सारे राज हैं, उनको समझने के सारे तरीके लिखे हुए हैं इसमें मेरे दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप लोग बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि महिलाओं का दिल कैसे जीता जाता है। आप देखिए, ये मेरी बगल में जो इस पुस्तक का उद्घाटन किया है, ये जो शख्स खड़ा है यहाँ पे, आप देखिए इसकी शक्ल ध्यान से देखिए, एकदम मेढक जैसी शक्ल है इसकी। इस मेढक जैसी शक्ल वाले इंसान के पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी खूबसूरत लड़कियां इसके मुंह पे थूकना भी नहीं चाहती हैं। और यही वजह है कि ये पुस्तक मैंने इसी आदमी को समर्पित की है, इसको अपना मेन मॉडल बनाया है, ताकि ये इस पुस्तक को पढ़े और औरतों को बेहतर ढंग से समझ सके। और अगर वो आपको पसंद नहीं करती तो वो आपको इग्नोर करके चली जाएगी, आपकी कही किसी भी बात का उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अगर किसी नारी को पसंद करते हैं और अगर उससे बदतमीजी करें तो ये देखिए कि उसका रिएक्शन क्या है। अगर उसका रिएक्शन वो गुस्से से देती है तो इसका मतलब कि वो आपको पसंद करती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि जिस इंसान को वो दिल से चाहती है वो ऐसे कैसे कर सकता है। ये बात ये साबित कर देगी कि वो आपकी दीवानी है। माफ कीजिएगा भाभी जी, आज तक आपके सामने सर झुकाया है, लेकिन अब एक अलग ही रूप में आपके सामने आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि वो आपकी बदतमीजी पे कैसे रिएक्ट करती है। ओके, प्रार्थना कीजिए कि आप बदतमीजी करें और वो पलट के आपको गाली दे, थप्पड़ मारे। भाभी जी तैयार हो जाइए, विभूति नारायण मिश्रा आपसे बदतमीजी करने को तैयार है। क्या बात है सक्सेना जी, क्या लिखा है यार, क्या लॉजिक है यार, वाह, मैं मान गया सक्सेना जी। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? मम्मी। भाभी जी कुछ कराइए इसका, ये अजीब सा बेतुका सा डिजाइन है ये। बैठिए भरभूति जी, कैसे अब एक बात बोलूं, बुरा थोड़ी मानेंगे आप? देखिए अगर बुरा मानने वाला बात होगा तो उनको तो हम कंट्रोल ना ही कर पाएंगे ना। वैसे भी कहा है ना कि लूज मोशन पर कंट्रोल करना सबके बस का बात ना ही होता है। इसके लिए गोली आती है। एनीवे आप इमोशंस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। हमको अगर गुस्सा आएगा और बुरा मानने वाला बात होगा तो मानेंगे ना। अगर आप बुरा माने भी तो आई डोंट केयर, मैं जो कहने आया हूँ मैं कह के जाऊंगा। हाँ तो बोल दीजिए, हम कौन सा आपके मुंह में उंगली डाले हैं। आपने कल जो वो छोटी कटोरी एक आलू की सब्जी भेजी थी, माफ कीजिएगा वो नहायत ही घटिया बनी हुई थी, टेस्टलेस थी, खाई नहीं गई, गले के नीचे उतरी नहीं, वो मैंने कुत्ते को डाल दी। और मजे की बात बताऊं मैं आपको कि अगर कुत्ते की जबान होती और कुत्ता अगर कह सकता तो वो ऊंची ऊंची आवाज में जरूर कहता कि ये सब्जी मुझे क्यों दी है, मैं कुत्ता हूँ, कमीना नहीं हूँ। जैसे सब्जी पहली बात तो ई की उ आलू का सब्जी नहीं था, उ पनीर का सब्जी था। और दूसरा बात, ओह कम ऑन भाभी जी, गिव मी अ ब्रेक एंड दिस टाइम अ बिगर वन, फॉर गॉड सेक्स, पनीर की सब्जी। आलू की सब्जी को पनीर बोल के बेच रही हैं आप मुझे? लुक एट हर। हम कब बेचे आपको? ये बेचने ही तो हुआ, क्या मुझे आलू में और पनीर में फर्क नहीं मालूम? हमारे घर पनीर रोज बनता है मैडम, और मैं रोज 2 किलो लेके आता हूँ पनीर, 1 किलो खाता हूँ, 1 किलो फेंकता हूँ। तो फिर 2 किलो का ही लाते हैं, 1 किलो ही लाया कीजिए ना। मैं 2 किलो लाऊं, 4 किलो लाऊं, 5 किलो लाऊं, जितना चाहूं उतना फेंकूं, इट्स माई लाइफ, मेरी मर्जी। आप आज हमसे कुछ बदतमीजी से बात नहीं कर रहे हैं,
और वैसे भी आपको बता दें कि लड्डू के भैया वो सब्जी खाए रहे और उनको तो पनीर का सब्जी बहुत ही अच्छा लगा। माफ कीजिएगा, आपके लड्डू के भैया बेस्वादे आदमी है। स्वाद नहीं जबान में उनकी, अगर मैदान में छोड़ देना तो घास चरने लगे वो। भरभूति जी। ऑलराइट। क्या भरभूति जी, सच्चाई कड़वी होती है मैडम, बहुत कड़वी होती है। देखिए हमसे ऐसे बात ना ही कीजिए ना ही तो। देखिए मैडम, जैसे मेरी मर्जी होगी वैसे बात करूंगा, समझे आप। और वैसे भी मैं टुच्चे लोगों का मुंह नहीं लगाता, बस उनको देख के सीटी बजाता हूँ, वो भी ऐसे। आप तो छिछोर पंथी पर उतर आए हैं। छी, छिछोरा पना करूंगा, जरूर करूंगा। आप निकलेंगी घर से बाहर तो छेड़ूंगा, आपको देख के सीटी बजाऊंगा, बार बार सीटी बजाऊंगा। देखिए मम्मी, ओह माय गॉड आंटी, व्हाट अ अनप्लेजेंट सरप्राइज दैट वाज, आई थॉट यू आर डेड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी यू अलाइव। चल वो तो तुम्हारा शायद कछु नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन तुमका ये अंदाजा नहीं है कि अब हम तुम्हारा काका बिगाड़ने वाले हैं। अकेली औरत को घर में देख करके सीटी मारते हो, अब देखो तुम्हारा सीटी हम कहाँ कहाँ से निकालते हैं। हैं बुढ़िया। हाँ माँ जी, लाते हैं, सुबह तेल लगा कर रखे हैं। इमें डंडा। पुलिस स्टेशन लगा रही है। बहुत समझदार हो। अंदर होगा जी। हाय बॉयज। मुझे क्यों बुलाया? रुसा, एक्चुअली बात ये आ रही है कि हमारे ख्याल से क्या कि अब हमारी है ना शादी की उम्र रह गई है। लेकिन शादी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है लड़की, है कि नहीं बताओ? ये भी ठीक का, लेकिन शादी के लड़की मिलनी भी तो चाहिए। तो हमने सोचा कि हमें तुमसे शादी करनी चाहिए। लेकिन फिर जब हम गहराई में गए तब हमें नजर आया कि तुम तो हमें पसंद ही ना हो। एक मिनट रुसा, रुको रुको, बैठ जाओ बैठ जाओ। दरअसल मैं तो ना लड़किन को ना उनकी आंखों से पसंद करता हूँ भाई, आंखों में ना सच्ची खूबसूरती होती है। तुमसे खूबसूरत आंखें तो हमारी गली के चमगादड़ों की है। अरे मुच्छल, इडियट, नॉनसेंस, ये आदमी ना एक नंबर को घटिया इंसान है। ऐसे रूसा है ना, हमारी नजर में है ना मतलब आंखें सब कुछ ना होती है, लड़की की जो मुस्कुराहट होती है ना वही सबसे पहले दिल में उतरती है। और सच बताऊं तो आज तक मैंने तुम्हारी जो मुस्कुराहट है ना खुल के देखी ना है। आए आए, अरे मुर्गो मुरी अम्मा, ऐसी घटिया मुस्कुराहट तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ना देखी है। आप कहते ना कि रत्ती भर भी ना देखी मैंने तो। तुम तीनों को ना मैं इतना मारूंगी, याद करोगे? सबके सब शक्ल देखी अपनी, कहां कहां से उठ के आ जाते हैं, मौकी जैसा, एक कद्दू जैसा, एक भिंडी जैसा। एक मिनट रुसा जी, क्या हुआ, क्या बात है? अरे हद कर दी इन तीनों ने मेरे साथ, पता है आपको, मुझे बुलाया, बड़े सम्मान के साथ यहां बिठाया और उसके बाद मेरी बेइज्जती कर रहे हैं मेरे मुंह पर। अब इनकी बदतमीजी की सजा मैं इन्हीं के साथ हवालात में बदतमीजी करके दूंगा। बारी जी, आप सीटी क्यों मार रहे हैं? भाभी जी, वो क्या है कि हम
आपको तनिक छेड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका दिमाग तो जगह पर है, क्या हो रहा है, क्यों छेड़ना चाहते हैं आप मुझे, क्या बोल रहे हैं आप? जो है सो वही बोल रहे हैं भाभी जी, हम आपको छेड़ रहे हैं, कम से कम कभी तो हमसे छेड़ जाया कीजिए। तिवारी जी, जी तिवारी जी, मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दोबारा ऐसी गुस्ताखी आप मेरे साथ ना करें। भाभी जी, ओहो क्या चलती हैं आप, ओहो जैसे कोई अप्सरा जो है वो चांद पर चल रही हो। क्या चलती है आप? तिवारी जी, हो क्या गया आपको? बैठी हूँ मैं आपके सामने, कहाँ चल रही हूँ मैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं भाभी जी, बस आपको छेड़ने का मन किया, छेड़ेंगे, जी भर के छेड़ेंगे, क्या बिगाड़ लेंगी आप हमारा भाई? हाय हाय हाय। वो कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, पर मैं अपनी बहू के साथ बदतमीजी करने पर तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बहू के साथ सब करने की है? बिगाड़े तेरा बिगाड़ लेंगी है। मैं पुलिस स्टेशन को फोन लगा रही हूँ, अब इसके आगे की सारी सीटियाँ वो जेल में बैठ कर बजाएंगे। इसकी सीटियाँ नहीं निकाल दूंगी मैं। अरे भाई, और भाई कोई है क्या? ओ भाई चाय पिला दो, गला सूख रहा है यार। अरे मेरे सेठ, तुम चाय की बात कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई भूतनी का पानी तक न पूछता। अरे मोरी भैया, बहुत खुजली हो रही, बहुत खुजली हो रही छेड़ने की, छेड़ू कहीं का। भूति जी, आप भी हैं यहाँ? तिवारी जी, क्यों आपको शहर की किसी बुलबुल को छेड़ने के जुर्म में अंदर किया गया है क्या? यार बात करने का कोई तरीका होता है कि नहीं होता? हवलदार साहब, कछु ले देकर काम चला लो ना। लेन देन भी होगी। बस अभी डंडे को सांडे के तेल में डुबो के रखा है, 5-10 मिनट की बात, उसके बाद बहुत बढ़िया से लेन देन होगी। देखिए हवलदार साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हम कर रहे थे ना, उस किताब में जो लिखा था ना, वही कर रहे थे। अच्छा, वैसे आजकल मैं भी एक किताब पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कौन सी? हड्डियां तोड़ने के 101 तरीके। बड़ा शौक है ना बीच में कूदने का, लीजिए मजा। क्या बात है, हड्डियां तोड़ने के 101 तरीके, वाह मनोहर भैया, ये लीजिए मिठाई खाइए। शर्म नहीं आती एक ईमानदार पुलिस वाले को रिश्वत देते हो? वैसे मुझे बर्फी पसंद है। बर्फी? इसमें बर्फी है भैया। इस आदमी की वजह से हम सब अंदर है जेल के अंदर, सबसे बड़ा गुनहगार ये है, और किताब इसी ने लिखी है। क्यों भाई, ये क्या चक्कर है, क्यों लिखी है ऐसी किताब? वैसे काजू कतली है क्या? हाँ काजू कतली है ना, मुझे पता था आपको पसंद है, मिक्स करके लाया हूँ। लोंडो, जाने टिकाई है तेरे में वो किताब। नारी शास्त्र। एक्चुअली मनोहर भैया, बात यह है ना कि मैंने ये किताब इसीलिए लिखी थी क्योंकि मैं चाहता था कि सैकड़ों की उन्मादी भीड़ मुझे पटक पटक के मारे, मेरा मार मार के बुरा हाल कर दे, खासतौर पर औरतों की भीड़। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी अभी कुछ देर पहले अफीम कोठी के इलाके में कम से कम 450 औरतों की भीड़ ने मुझे पटक पटक के धोया है। किताब लिखना मेरा सफल हो गया मनोहर भैया, अब इनको छोड़ दीजिए, गलती सारी मेरी है, इनको छोड़ेंगे तभी तो इनकी भी खाऊंगा थोड़ी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो हमारे कमिश्नर साहब स्पेशली पीटेंगे। स्पेशली पीटेंगे, आई लाइक इट। और रही बात इनकी, तो ऐसे समाज के कॉकरोचों को हमारे कमिश्नर साहब कभी माफ नहीं करेंगे। वो ऐसे छेड़छाड़ वाले मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है।
तुमने मुझे छेड़ा मतलब छोड़ूंगी इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ बहन? भैया मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। इंस्पेक्टर साहब तो नहीं है, हवलदार है, इनसे मिलिए। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर तो यहाँ नहीं है पर मुझे उनके आसपास का ही समझो। बताइए क्या हुआ? ये आदमी बीच सड़क पर मुझे छेड़ रहा था, मेरी बेइज्जती की। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। साले घटिया इंसान, चेहरा दिखा तू अपना। अरे मोरी मैया। चैन सर। कौशल साहब नारी शास्त्र। आई लाइक इट। कैसा लगता है? अच्छा लगता है प्यार का सपना। सच्चा लगता है। अभी जी मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपने बड़े कटोरे में पनीर की सब्जी भेजी थी, दैट वॉज अमेजिंग, लिप स्मैकिंग, डिलीशियस इट वॉज। कौन सा सब्जी? हम तो छोटा कटोरी में आलू का सब्जी भेजे थे ना। थैंक गॉड कम से कम आपने मुझसे बात तो की, मुझे लगा कि आप जिंदगी में मुझसे बात ही नहीं करेंगे। हमको आपसे बात करना भी ना आई है। आप बहुत बहुत वो हैं बदतमीज हैं। भाभी जी मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे बदतमीजी करूं? मैं कभी जानबूझ के आपसे बदतमीजी कर ही नहीं सकता भाभी जी। नो नेवर एवर। अच्छा तो क्या मजबूरी था आपका? हम तो आपकी कनपटी पर किसी को बंदूक रखे हुए ना ही देखे। You're right, भाभी जी। Actually, क्या है कि मैं वो बुक जो है ना सत्यनारायण जी की बुक, उसको चेक कर रहा था कि उसमें कुछ सही भी है, सब गप्पे मारी हुई। पर ना भाभी जी मेरी मजाल की मैं आपके साथ बदतमीजी करूं? भाभी जी आपको देख के मेरा सर जो है श्रद्धा से झुक जाता है। भाभी जी लोग सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं तो मैं भाभी नमस्कार करता हूँ। आपकी बातों में ना ही आने वाले हैं हम, ऐसे भी आपसे बहुत सेट हो गए हम। आई विश भाभी जी आप वो अपसेट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं भाभी जी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे आपका दिल दुखे या आप नाराज हो। बस एक बार अपनी हंसी की मोती बिखेर दीजिए ताकि हमारे दिल की धड़कनें बेकाबू हो सकें। स्माइल। हाय दिया कचुवी वरपुती जी। आई लव यू भाभी जी। आ का बोले? भाभी जी टेक केयर। तो बोलूं क्या बोले?